आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। अब्बास फौजी बने भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला संगठन मंत्री। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के सिंहपुर विकास खंड क्षेत्र के ग्राम सभा आजादपुर के अब्बास फौजी को भारतीय किसान यूनियन भानु का जिला संगठन मंत्री बनाया गया। जिला संगठन मंत्री बनते हैं किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई और अमेठी जनपद के किसानों ने बताया, अब्बास फौजी को भारतीय किसान यूनियन का जिम्मेदारी देने से किसानों की आवाज और बुलंद होगी। और जिला संगठन मंत्री अब्बास फौजी ने कहा, हमने देश की सेवा की है और हमें किसानों की सेवा करने का मौका मिला और हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। हमको जिम्मेदारी मिली, चाहे केंद्र सरकार चाहे प्रदेश की सरकार, यदि किसानों की समस्याओं को नहीं निस्तारण होता तो हम लोग आंदोलन करेंगे और किसानों के साथ आधी रात कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मैं भी किसान हूं, किसान के घर का लड़का हूं। हमने सरहद पर सेवा करने का मौका मिला था, अब हमको किसानों की सेवा करने का मौका मिला है। हम अमेठी जनपद के किसानों को धन्यवाद देते हैं और सम्मान करते हैं। किसानों को सेवा करना मेरा दायित्व है, किसानों की सेवा करना हमारे दिल में है, हमारे खून में है। अमेठी से जिला संवाददाता आमिर हुसैन की जिला संवाददाता अमेठी आमिर हुसैन। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के सिंहपुर विकास खंड क्षेत्र के ग्राम सभा आजादपुर के पूर्व प्रधान अब्बास फौजी को किसान भारतीय किसान यूनियन का भानु का जो है जिला महामंत्री बनाया है, जिला संगठन मंत्री बनाया है। जिला संगठन मंत्री बनने में क्षेत्र के किसानों में काफी उत्साहित हैं, लोग खुश हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। आज इंडिया तक न्यूज चैनल के माध्यम से मैं भारतीय किसान यूनियन के जिला संगठन मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या आज केंद्र और प्रदेश की सरकार के खिलाफ क्या आप लड़ाई लड़ेंगे और क्या अपने जनपद के संगठन के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज इंडिया तक न्यूज चैनल के माध्यम से मैं भारतीय किसान यूनियन के जिला संगठन मंत्री से बात करना चाहता हूं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अब्बास फौजी, जिला संगठन मंत्री। जी, मैं जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से आपको संगठन का मंत्री बनाया गया है, आपके मंत्री पद बनाने के बाद में तमाम किसानों में उत्साहित है और तमाम एक ललक है कि एक फौजी जो है हमारे मंत्री बनाए गए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ आप अपने किसान को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने पहले तो देश की सेवा की है जी, अब मैं किसानों की सेवा करना चाह रहा हूँ जी। किसानों के मैं साथ हैं, वहाँ जहाँ मेरी जरूरत पड़ती है मैं वहाँ किसानों के साथ रहूँगा जी। जिस प्रकार से आप, अगर कोई किसान परेशान होता है या सरकार के खिलाफ, चाहे वो केंद्र हो या प्रदेश हो, सबके खिलाफ आप विरोध करने का करेंगे? जी, मैं करता हूँ विरोध। कल भी मैंने जिला टूल नाका जायस में वहाँ पे गया था, वहाँ टूल नाका पे मैं हम लोग जाम लगाए थे। वहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष भी थे, हम लोग थे, पूरे किसान भाई लोग थे। ठीक, आपका धन्यवाद। इंडिया तक न्यूज चैनल के माध्यम से हमने जिला महामंत्री संगठन मंत्री किसान भारतीय किसान यूनियन के भानु के अब्बास फौजी से बात किया। इन्होंने कहा, हमने सरहद प्रदेश की सेवा की है और मेरे दिल में है किसानों की सेवा करना, हमारे खून में है। अब ऐसे में क्या मानना होगा कि अब्बास फौजी का राजनीतिक सफर कहाँ तक चलता है, किसानों के लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे? तो आज मैं बता देना चाहता हूँ, इंडिया तक न्यूज चैनल के माध्यम से हमने फौजी जी से बात किया। उन्होंने कहा कि आधी रात मैं किसानों के साथ हमेशा, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमेशा लड़ाई लड़ने का कार्य करूंगा। अमेठी जिले के किसानों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और कहा कि जो है हम सदैव किसानों के साथ खड़े रहेंगे। अमेठी से कैमरामैन नान बाबू के साथ जिला इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।